आंचल को अपने परचम बना ले, नई राहों पर तू कदम बढ़ा ले, तेरी शक्ति ही तेरा आभूषण बनकर अब जीवन में दमकेगी, अधिकारों का सूरज बनकर तेरे माथे की बिंदिया चमकेगी। पंचायती राज ने दी है ग्रामीण महिलाओं को नई शक्ति, जीने के नए अधिकार, उनकी राय को मिला है सम्मान और उनके वजूद का बढ़ा है सम्मान। पंचायती राज ने ग्रामीण महिलाओं के आंचल में भरने चाहे हैं जीने की शक्ति और अधिकारों से चमकते अनेक सितारे। पंचायतों में भागीदारी, स्वरोजगार की ताकत से समृद्धि, स्वच्छता और पोषण से परिवार की खुशहाली, ग्रामीण महिलाओं की आंखों में आज ऐसे अनेक सपने लहरा रहे हैं। लेकिन सपनों की इस मंजिल तक पहुंचने की राह बेहद कठिन है, अनेक रुकावटों से भरी हुई। बेशक ये रुकावटें पुरुष प्रधान समाज की तरफ से हैं, इन महिलाओं के अपने परिवार की तरफ से हैं, और हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से कुछ रुकावटें नारी की उस लज्जा और खामोशी की तरफ से भी हैं, जो सदियों से उसके पांव की बेड़ी बनी रही है, उसे दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने से रोकती रही है। लेकिन ये भी सच है कि रुकावटें तो होती ही पार करने के लिए हैं, रास्ते के पत्थर तो होते ही हैं टूटकर बिखर जाने के लिए। लेकिन कैसे, कैसे? आज इस सवाल का जवाब सिर्फ ग्रामीण महिलाओं को ही नहीं जानना है, बल्कि पूरे समाज, हर गांव के और गांव के हर उस परिवार को समझना है जो पंचायती राज की सफलता के रंगों में महिला उत्थान का भी एक रंग भरना चाहता है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के तहत 1993 में पंचायती राज लागू हुआ और चुनी गई पंचायती राज संस्थाओं के कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह पहला ठोस कदम था। मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में संशोधन करके 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं। अनेक महिलाएं चुनाव में जीत हासिल करके पंचायतों में पहुंचने लगी। सम्मान और समानता का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। लेकिन तभी एक बड़ा सवाल सामने आया। महिलाओं ने चुनाव तो जीत लिया, वो पंचायतों में तो पहुंच गईं, पर अब इसके बाद क्या? आंखों में बहुत कुछ कर दिखाने के ख्वाब थे, मन आकाश को छू लेने की तैयारी में था। लेकिन इन महिलाओं ने घर की दहलीज के बाहर कदम रखा तो अपने रास्तों में कई रुकावटों को खड़ा पाया। वर्षों से चली आ रही अपनी प्रभुता में महिलाओं की दखलअंदाजी पुरुषों को चुभती थी। पंचायत के लिए चुनी गई महिलाओं के परिवार वाले भी उनसे सहयोग नहीं करते थे।
घर की इज्जत बाहर जाकर पंचायत का कामकाज देखे, ये उन्हें गवारा न था। और फिर महिलाओं की पर्देदारी की परंपरा, खामोशी और अशिक्षा भी उनकी राह में रुकावट बन रही थी। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि अपने परिवार, पंचायती राज संस्थाओं और गांव वासियों के सहयोग से महिलाएं ऐसी हर रुकावट से पार पा सकती हैं। हमारे पंचायती राज मंत्रालय ने इस दिशा में जो ठोस कदम उठाए हैं उनमें से एक है पंचायत महिला शक्ति अभियान। राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से चलने वाले इस अभियान के जरिए 3 स्तरों की पंचायतों की महिला सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है। उन्हें आपसी बातचीत का मौका दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे की भावनाओं और समस्याओं को समझें और एक दिशा में एक साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा उनमें आए। मैं कल आपके साथ वाले गांव में गया था। इस प्रशिक्षण से वहां की औरतों को बहुत फायदा हुआ। अब आप लोग बताओ कि इस प्रशिक्षण से आप लोगों को क्या फायदा हुआ? इस अभियान ने आत्मविश्वास नहीं बल्कि मेरे अंदर एक नई शक्ति पैदा की। इससे मेरे अंदर विचार जागा कि मुझे कुछ करना है अपने गांव के लिए, गांव की औरतों और बच्चियों के लिए। इस अभियान में हम महिलाएं एक दूसरे की ताकत बनती हैं और हमें एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। हमें ये बात समझ में आई कि हम गांव में शिक्षा, सेहत, स्वयं सहायता समूह और साफ सफाई से जुड़ी हुई बातों का हम विकास कर सकती हैं। राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, मणिपुर, हरियाणा और गोवा में पंचायत महिला शक्ति अभियान के बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं और ऐसे ही प्रयास अनेक स्तरों पर दूसरे राज्यों में भी होने चाहिए ताकि महिला सदस्यों को पता चले कि उन्हें एक अहम भूमिका किस प्रकार निभानी है। देखिए, मैं खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और इस नुकसान को मैंने सारी उम्र झेला है। यहाँ गाँव में देखती हूँ तो पाती हूँ कि यहाँ लोग अपनी बेटियों की शिक्षा को लेकर ज़्यादा जागरूक नहीं है। माता पिता अपनी बच्चियों को घर के दूसरे कामों में लगाए रखते हैं या फिर 5वीं कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई ही बंद करवा देते हैं। हाँ, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि गांव के आसपास कोई बड़ा स्कूल नहीं है। इसलिए जब मैं अपनी पंचायत में चुनी गई तो मैंने इस बारे में कुछ करने का फैसला किया। हमें चाहिए कि हम अपने गांव में ही लड़कियों के लिए एक मिडिल स्कूल तो ज़रूर ही बनवाएं, जिसमें साफ सुथरा हैंडपम्प हो, शौचालय आदि की भी पूरी व्यवस्था हो। हाँ, आगे हम हाई स्कूल भी बनवाएंगे, लेकिन तब तक पड़ोस के गांव वाला जो लड़कियों का हाई स्कूल है वहाँ तक तो आसानी से आया जा सके ना। लेकिन हमें बहुत जतन करने होंगे, बार बार जिले के दफ्तर में जाना होगा। ठीक है, इसके लिए भी मैं साथ दूंगी आपका। और अगर आप चाहेंगे तो मैं गांव की और महिलाओं को साथ लेकर अधिकारियों तक अपनी बात भी पहुंचाऊंगी। पर उन माता पिता को कौन समझाएगा जो अपनी बेटियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते? प्रधान जी, गांव वालों को अगर सच्ची बात बताई जाए तो वो क्यों नहीं मानेंगे। चलिए, आज से इस जागरूकता को लाने का जिम्मा मैं लेती हूँ। कब तक ये धरती सूखी रहेगी? कभी तो इसमें बाहर की कोपलें फूटेंगी।
एक बूंद, सिर्फ एक बूंद से शुरुआत होगी और ये सूखी नहर कल कल करती नजर आएगी। शिक्षा से एक नई लहर आई। ये काम नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल जरूर था। गांव वालों की सोच को मुझे बदलना था। मैं गांव के हर परिवार में गई और उन्हें बताया कि लड़कियों को स्कूल भेजना कितना जरूरी है और एक पढ़ी लिखी लड़की ही तो अपने भावी परिवार में खुशहाली ला सकती है, खुद भी आगे बढ़ सकती है और तो और बड़े बड़े काम करके दिखा सकती है। मेरी बातों का गांव वासियों पर असर हो रहा था और उधर हमारी कोशिशों से गांव में हाई स्कूल भी बनने लगा था। गांव की हर बच्ची स्कूल जाकर पढ़ेगी लिखेगी, ये सपना सच होने की आस मेरे मन में जाग रही थी। अगर मैं अपनी पंचायत के लिए चुनी गई हूं तो इसका ये मतलब है कि मेरी सभी बहनों को मुझ पर विश्वास है और उन्होंने यही सोचकर तो मुझे वोट दिया है कि मैं उनके लिए कुछ करूंगी। उन्हें कोई सही राह दिखाती हूं तो वो उस राह पर जरूर आगे बढ़ेंगी और मुझे भी उनके इस विश्वास पर खरा उतरना है। पंचायत के कामकाज के अलावा भी तो मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है ना। भागवती ने आना था, आई ना अभी, अभी तक आई नहीं। राम राम बहन जी। राम राम। कहिए बहनों, कैसी हैं आप? बस आप ही को याद कर रहे थे। और बताओ, आज हमारे लिए क्या संदेश लाई हो? बहनों, आज मैं आपको परिवार को साफ सुथरा रखने के बारे में बताऊंगी। देखो बहनों, हमें अपने परिवार के लिए सुथराई की बातें ज़रूर अपनानी चाहिए क्योंकि घर आंगन साफ रहेगा, बच्चे साफ रहेंगे तो परिवार में बीमारी नहीं आएगी और अगर बीमारी नहीं आएगी तो खुशहाली तो ज़रूर ही आएगी ना। पर इसके लिए हम क्या करें भगवती बहन? बस बहन, छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, उसे अपनाकर हम अपने परिवार को सेहतमंद रख सकती हैं। जैसे खाना खाने से पहले और शौच के बाद अपने हाथ साबुन से अथवा राख से ज़रूर धोएं, पीने वाला पानी उबला हुआ और साफ सुथरा इस्तेमाल करें और तो और घर के आसपास कहीं भी शौच की गंदगी ना फैलने दें। देखो बहनों, भागवती सही कह रही है, अगर हम सब ये सारी बातें अपनाएंगे तो हमारे घरों में बीमारी कभी नहीं होगी। हाँ काकी, और अगर बीमारी हो भी जाए ना तो घरेलू इलाज या टोने टोटके की बजाय सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपनी डॉक्टरनी की सलाह लें या फिर वो अपनी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है ना आशा बहन, उनकी सलाह लें क्योंकि सही समय पर दिया गया डॉक्टरी इलाज शरीर से बीमारी को दूर करता है। और बच्चों के मामले में ये बात जरूर अपनानी चाहिए। हम तो इसके लिए बच्चों को बीमारियों से बचाव के टीके लगवाते हैं। बहुत अच्छा करती हो बहन, बच्चों का पूरा ध्यान रखना चाहिए और जानती हैं हम बच्चों का पूरा ख्याल उनकी पूरी देखभाल तभी कर पाएंगे जब बच्चे होंगे एक या दो, उससे ज्यादा नहीं। लो जी, ये तो बस भगवान के हाथ में है। नहीं काकी, ये बात तो अब अपने हाथ में भी है। अगर हम स्वास्थ्य केंद्र जाकर डॉक्टरनी जी से बात करें तो वो हमें परिवार को सीमित रखने के सरल और पक्के उपाय बताएंगी। और ये बात तो हम सभी जानती हैं कि छोटा परिवार तो खुशियां अपार। देखो भागवती, हमारी समझ में तो एक ही बात आई है कि तुम्हें अपनी पंचायत का पंच चुनकर हम लोगों ने बड़ा ही नेक काम किया है। अरे भाई, तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी महिला गांव की पंच चुनी गई है जो हमारे जीवन में खुशियां भर देगी। क्यों बहन, तुम तो अपना फर्ज पूरा कर रही हो। भागवती बहन, तुम्हारी बताई बातों को अपनाकर हम भी अपना फर्ज पूरा करेंगे। गांव वासियों में शिक्षा, स्वच्छता और परिवार कल्याण जैसी बातों के लिए जागरूकता का आना जरूरी है और ऐसी जागरूकता लाने में एक महिला सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन इसके अलावा भी वो बहुत कुछ कर सकती है।
सुमित्रा बहन जब हमारी पंचायत के लिए चुनी गई तो हमने सोचा ये अपने पंचायत के काम काज निपटा लें तो इनके लिए इतना ही काफी है। पर भैया इन्होंने तो इससे भी बढ़कर काम करके दिखाया और आज इस वक्त हमारे बीच बैठी हैं सुमित्रा बहन। हाँ तो सुमित्रा बहन, आप पंचायत के कामकाज के अलावा भी गांव में बहुत सी जिम्मेदारी निभाती हैं, इस सब का ध्यान आपको कैसे आया? जब पंचायत सदस्यों के परीक्षण शिविर में गई तो वहां से मैंने सीखा कि हम औरतें पंचायत के कामकाज के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। हाँ तो फिर पहला काम क्या किया आपने? सबसे पहले हमने गांव की औरतों की एक समिति बनाई और आंगनवाड़ी की देखभाल का काम उनके जिम्मे सौंपा। मैं खुद इस समिति में शामिल थी। इसे आंगनवाड़ी की बहन जी को मदद मिली और काम भी ठीक तरीके से होने लगा। भाई समिति तो आपने और भी बना रखी है, वो गांव की औरतों की? जी हाँ, वो समिति पानी के साफ साधनों की देखभाल करती है। वो जो गांव में हैंडपंप लगे हैं उनकी मरम्मत और देखभाल के लिए ये समिति गांव से कुछ पैसा भी इकट्ठा करके लाती है। और आजकल आप औरतों के स्वयं सहायता समूह बनवाने में लगी हैं? जी हाँ, इसके लिए तो सरकार भी मदद करती है और मैं तो चाहती हूँ कि गांव की औरतें अपने हुनर को कारोबार में बदलें और अपने परिवार में खुशहाली लाएं। भाई अपने गांव में सभी सुमित्रा बहन की तारीफ करते हैं और सबने उनके बताए रास्तों को अपनाने का